हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देखा कि आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक है जियो का लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला नो डाटा लिमिट प्लान, एंड दूसरा है एयरटेल 5G का टेस्ट ट्रायल। सो इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ में अगर आप नए आए हमारे चैनल में, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं जियो के लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले नो डाटा लिमिट प्लान के बारे में। सो जियो अपने यूजर्स के लिए हमेशा ही नए नए प्लान्स लॉन्च करते रहती है, एंड अभी हाल में तो काफी ज्यादा प्लान्स लॉन्च कर रही है, चाहे वो फ्रीडम प्लान हो या फिर कोई बजट प्लान। एंड कंपनीज लाइक एयरटेल वी के मुकाबले काफी किफायती एंड बेनिफिशियल प्लान्स ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जिन्हें बार बार रिचार्ज कराना पसंद नहीं है और आप एक बार में ही लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला प्लान चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म वैलिडिटी के साथ नो डाटा लिमिट भी देखने को मिलेगा। इस प्लान का जो प्राइस है वो है 2,397 रुपीज, एंड इसमें 365 डेज की वैलिडिटी मिलती है, एंड जितना डेज दिया हुआ है उतना ही डाटा भी इसमें दिया गया है। इसमें मिलता है 365 GB डाटा, लेकिन इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें नो डाटा लिमिट दिया हुआ है, यानी कि आप चाहें तो एक दिन में पूरा 365 GB डाटा खत्म कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा एक साल इस 365 GB डाटा को चला सकते हैं। तो इस नो डाटा लिमिट की वजह से हमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि मान लीजिए कि हमें किसी दिन ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है एंड डाटा लिमिट की वजह से हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस प्लान में हम ऐसा कर पाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग डाटा यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्लान का। साथ में हर जियो प्लान्स की तरह इस प्लान में भी आपको सारे नेटवर्क्स पे अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती है। 100 SMS आप पर डे सेंड कर सकते हैं, एंड इसके अलावा सारे जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन भी इसमें मिलता है, लाइक जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सिक्योरिटी, इसके अलावा जितने भी एप्स हैं सारा का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्लान के साथ मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा प्लान है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला प्लान चाहिए, वो भी नो डाटा लिमिट के साथ, तो आप ये 2,397 रुपीज वाला प्लान ले सकते हैं। अच्छा प्लान है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो है एयरटेल 5G का टेस्ट ट्रायल। दोस्तों, एयरटेल 5G का टेस्ट ट्रायल स्टार्ट हो चुका है इंडिया में, एंड इस टेस्ट को सबसे पहले मुंबई के लोअर परेल एरिया के फिनिक्स मॉल में किया गया, एंड जो 5G गियर इसके लिए यूज किया गया है वो है नोकिया का एडवांस 5G गियर। साथ में एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें पता चल रहा है कि कंपनी 5G टेस्ट के दौरान अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ 1.2 Gbps की स्पीड पाने में सक्षम थी, एंड इसके साथ जो अपलोड स्पीड आ रहा था वो था 850 Mbps का। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फास्ट है 5G नेटवर्क। तो टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, एंड एयरटेल को टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मुंबई के अलावा दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता के साथ 4 इंडिया टेलीकॉम सर्कल में स्पेक्ट्रम अलॉट किया है। तो धीरे धीरे करके सारे जगह पर टेस्टिंग की जाएगी, एंड देखते हैं कि कब तक हमें एयरटेल 5G यूज करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थे दो टॉपिक्स जो आज मैंने कवर किए इस वीडियो में। एक है जियो का लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला नो डाटा लिमिट प्लान, एंड दूसरी तरफ है एयरटेल 5G का टेस्ट ट्रायल। तो कैसे लगे आपको ये दोनों टॉपिक्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए टेक्निकल वत्सल यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड दोस्तों, हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।